Welcome viewers to another vlog. Today I thought कि मैं एक morning vlog shoot करूँ. तो जैसे ही मैं उठी, बाहर सुंदर सा sun wait कर रहा था. तो ये देखिए, बिल्कुल beautiful sunlight. वैसे अभी हमारे गांव में अभी harvesting season चल रहा है. तो सारे लोग जो अपने जिनके अपने अपने farms हैं, वहाँ पर उन्होंने rice लगाए हैं, वो लोग अभी harvesting के लिए जल. जैसे ही मैं बाहर आई घर से, फिर देखा ये फूल बहुत ही प्यारे खिले हुए थे. और बैकग्राउंड में तो म्यूज़िक की ज़रूरत है ही नहीं. मेरे घर पे पंछियाँ और बर्ड्स बहुत ही अच्छे म्यूज़िक देते हैं मुझे हमेशा. तो ये जो आप वही कर देख रहे हो, ये एक्चुअली हमारे घर के पास से निकला है. वो जैसा आपको दिख रहा है, वो सामने ही उधर पे मतलब हार्वेस्टिंग हो चुका था, तो क्रॉप्स को बस ते में भर कर उधर पे रखा गया. अभी वो जो व्हीकल है, उससे उन सारे वस्तुओं को इधर पे लाने की कोशिश की जा रही है. क्योंकि ये मतलब खेत है ना, तो इसका ज़मीन प्लेन नहीं होता है, बहुत ही ऊपर नीचे होता है. तो इसलिए व्हीकल मतलब इसीलिए व्हीकल थोड़ा धीरे धीरे जा रहा था. और लोग सुबह ये सारे काम करना इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि जैसे ही 10 बज जाते हैं ना, धूप बहुत तेज़ होती है और गर्मी तो पूछी ही मत. कल तो 37 डिग्रीज था, आज पता नहीं कितना है, कभी कभी 40 भी क्रॉस करते हैं हमारे यहाँ का टेम्परेचर, इतनी गर्मी होती है. तो मैं आपको दिखाती हूँ उधर पे मैं जा रही हूँ. अभी आप जैसे देख रहे हो, ज़मीन पे इतना सूखा सूखा पड़ गया क्योंकि इस बार बारिश भी बहुत मतलब हुई नहीं अच्छे से. अभी ये वस्तुओं को उधर पे रखा है, अब इसको ट्रांसपोर्ट करके उधर पे लेके जाएंगे. मैं आई तो चल के थी, अभी व्हीकल तो चला गया, अभी मुझे चल चल के जाना पड़ रहा है. अभी मैंने आपको दिखाया उधर पे, वो एक्चुअली मतलब लगभग हमारे खेत सामने वाले खेत में सारे के सारे मतलब क्रॉप्स हार्वेस्ट हो चुके थे, सिवाय इस पोर्शन के. शायद दो एक दिन में जिनका है ये खेत, वो भी मतलब हार्वेस्ट कर लेंगे. वैसे तो ग्रेन्स अच्छा ही हुआ है. अभी ये हमारे सामने वाले घर में, रिलेटिव के घर में, वो मतलब अभी धान को उन्होंने बॉयल करना शुरू किया. तो मैंने पूछा था कि बॉयल क्यों करते हैं, ऐसे सुखाने के बाद यूज़ करना अच्छा होता है. तो उन्होंने कहा नहीं, इसे करना पड़ता है. अब देखते हैं क्या होता है. मैं सामने जैसे वीडियो ले रही थी, बहुत गर्मी लग रही थी मुझे. धूप भी बहुत गर्म होता है, मतलब धूप नहीं, जिसको धुआँ होता है वो गर्म होता है. और ये क्योंकि मैं थक गई थी बहुत, अभी मुझसे उधर जाया नहीं जा रहा है, तो मैं आपको दूर से जूम करके दिखाती हूँ. ये एक थ्रेशर है, थ्रेशर प्लस हार्वेस्टर है. अभी जो सारे मतलब क्रॉप्स को काट के रखे थे, अभी इसको मशीन पे डाल रहे थे. अभी इससे, इस मशीन से वो जो हे होता है, मतलब जो स्ट्रॉज होते हैं, वो सेपरेट होते हैं और ग्रेन अलग जगह पे. जैसे आप वहाँ पर एक वाइट कलर का मतलब कारपेट जैसे देख रहे हो, उधर पे वो धान इकट्ठा होता है. और जो आप देख रहे हो कि मतलब उड़ रहे हवा में जो स्ट्रॉस, वो अलग गिर जाते हैं. अब स्ट्रॉस का उन्हें ये फ़ायदा भी है कि वो इन स्ट्रॉस को नहीं फेंकेंगे, बल्कि इसी स्ट्रॉस को इस्तेमाल करके वो जो राइस है उनको वो बॉईल करेंगे, उसके बाद राइस को सुखाने देंगे. और जब बचा कुचा स्ट्रॉस होगा, उनको जैसे कि बकरियों को और फिर गाय को खिलाएंगे, क्योंकि उनको ये खाना बहुत पसंद है. तो आज के व्लॉग में, आज के मॉर्निंग व्लॉग में इतना ही. मिलते हैं आपसे दूसरे व्लॉग में. टिल देन, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय